आज का थीम है गायत्री यज्ञ थ्रू अ डॉक्टर्स माइंड, द अल्टीमेट हीलिंग मेथड। तो पहले गुरु वंदना से शुरुआत करते हैं। तो सभी लोग हाथ जोड़ के हमारे सारे ऋषि मुनियों को याद करते हैं, गुरुओं को याद करते हैं और उनके सानिध्य में यह कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादिलक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वजी साक्षीभूतम् भावातीतम् त्रिगुणरहितम् सद्गुरुम् त्वं नमामि अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। तो गुरु कौन है? गुरु इज अ ऑल इन वन डॉक्टर। इट्स अ माइंड बॉडी एंड होल सोल हीलर। इट्स एन अबोड ऑफ सुप्रीम जॉय, ब्रह्मानंदम परम सुखदम। नोज द लाइफ इनसाइड आउट। ही इज योर कोच, मेंटर, मोटिवेटर। ही इज अ न्यूट्रिशनिस्ट, फिक्सेस योर फूड हैबिट्स। ही इज अ नेचर थेरापिस्ट, हील्स थ्रू नेचर। सोशल थेरापिस्ट, हील्स रिलेशंस एंड सोसाइटी। हमारे ऋषि वशिष्ठ थे जिन्होंने समाज की रचना कैसे किया जाए, राम राज्य कैसे बनाया जाए, उसके बारे में उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया था। योगा थेरापिस्ट, हमारे जो ऋषि पतंजलि रहे उनको भी हम गुरु मानते हैं। मंत्र थेरापिस्ट, जो विश्वामित्र ऋषि हुए उन्होंने मंत्र के माध्यम से हमारा हीलिंग किया, हमें ऊंचा उठाया। कर्मा थेरापिस्ट, कर्म के माध्यम से आप कैसे अपने चीजों को ठीक कर सकते हैं। ही इज अ हेल्दी मोस्ट लाइफ हिमसेल्फ, सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो गायत्री क्या है? द सोर्स ऑफ द प्योर हेल्दी लाइफ। तो ये जो आपके सामने ब्यूटीफुल सूर्योदय दिख रहा है, दैट इज द सोर्स। और ये हमारे आसपास यही है, वी डोंट हैव टू गो एनीवेयर। हमें जो भी चाहिए वो यही हमारे आसपास मौजूद है और जिसको हम आसानी से उस सोर्स को अपने अंदर ले सकते हैं। तो उसके लिए गायत्री मंत्र हमारे ऋषि मुनि ने तरीका बताया। इट्स अ प्योर साइंस ऑफ रिप्लेनिशिंग एंड रेजिंग द लाइफ फ्रॉम द सोर्सेस, राइट। और हमारे जो 24 इनपुट चैनल्स हैं, तो ओम भूर्भुवस्व हमारे मस्तिष्क में है, तत्सवितुर्वरेण्यम हमारे फेस में है, भर्गो देवस्य धीमहि हमारे बॉडी में है, और दियो यौनः प्रचोदयात् हमारे लिम्स में है। और यज्ञ क्या है? द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग हीलिंग लाइफ। लाइफ को क्रिएट कर सकते हैं, हील कर सकते हैं। तो हमारे आसपास जो अगर आप देखिए, तो वाटर हीलिंग साइकिल, वाटर साइकिल चलता है। ये इसका चित्र है। सूर्य के माध्यम से पानी जलाशय में से, समुद्र में से ऊपर उठता है और फिर बादल भरकर बरसता है। तो वी हैव दिस रेगुलर हीलिंग हैपनिंग। और उसमें देखा जाए तो जो सूर्य से जो चेतना आती है उसको गायत्री कह सकते हैं, और जो धरती पर जो साइकिल चलती है उसको यज्ञ कह सकते हैं। उसके बाद है एयर हीलिंग। एयर हीलिंग यज्ञ कैसे होता है? तो सूर्य की ही चेतना से वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलते हैं, और प्राणी उसको लेते हैं और वापस वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस देते हैं। उसके बाद फूड हीलिंग यज्ञ। फूड के माध्यम से हम कैसे हील होते हैं? तो इसी वाटर साइकिल, एयर साइकिल के अंदर जो प्रोड्यूस है, जो वृक्ष वनस्पति है उसको हर्बीवोरस खाते हैं, उसको उस हर्बीवोरस को कार्निवोरस खाते हैं, फिर और भी जो है फाइनली बग्स और बैक्टीरिया के माध्यम से वो वापस एयर में चला जाता है, वो पानी में चला जाता है, सूर्य में चला जाता है, धरती में चला जाता है। तो इट्स अ फूड हीलिंग साइकिल। तो फूड यज्ञ हमारे अंदर भी कैसे होता है, इसका भी ये चित्र देख सकते हैं। फूड यज्ञ इनसाइड एनिमल बॉडी, करेक्ट। मुंह से आता है चीजें और शरीर में उसका पाचन होता है, सब जगह फैलता है और फिर जो बचा कुचा है वो बाहर भी निकल जाता है।
जो हमारी ह्यूमन बॉडी है उसके अमेजिंग फैक्ट्स कुछ जान सकते हैं, और वो आज के यज्ञ पार्टिसिपेंट्स भी है। 30 ट्रिलियन सेल्स बहुत ज्यादा होते हैं, ट्रिलियन माने 12 जीरो, तो 300 ट्रिलियन बैक्टीरियाज। हमारी स्किन पर ही 1000 स्पीसीज ऑफ बैक्टीरियाज रहते हैं, 300 बोन्स, 600 मसल्स, 78 ऑर्गन्स। स्किन हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन है, हमारा हार्ट 100,000 बिट्स अ डे करता है, ब्लड वेसल कैन सर्कुलेट द ग्लोब, और हमारे अंदर 11 सिस्टम्स है, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, न्यूरॉन सिस्टम है। ठीक है, तो जो यज्ञ के लिए क्या चाहिए, 7 जो चीज है, तो ये है, ये ह्यूमन सेल का चित्र है, और ह्यूमन सेल में आप देख सकते हैं क्या क्या चीजें हैं और यज्ञ के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। तो पहला तो पानी जरूरी है, फिर उसके बाद है एयर और बायो इलेक्ट्रिसिटी, हवा और प्राण शक्ति जिसको कहा जाता है, सॉइल अर्थ, उसके सॉइल के कंपोनेंट भी मिल जाएंगे आपको। उसके बाद इंटेलिजेंस, सेल के सेंटर्स में इंटेलिजेंस रहता है, जैसे कंट्रोल सेंटर, कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बोल सकते हैं, और मंत्र उसका, उसके सिद्धांत है, उसके प्रिंसिपल्स है। रेगुलरिटी और डिसिप्लिन, हर सेल एक रेगुलर उसका साइकिल में वो जीता है, और एक उसको एक डिसिप्लिन भी कह सकते हैं। और देयर इज अ लविंग कोऑपरेशन अमोंग दिस विद इन द सेल एंड आल्सो विद अदर एलिमेंट्स अराउंड, अदर सेल्स अराउंड इट। और उसके बाद है फायर, जो कि सन एनर्जी है, वो भी उसके अंदर रहती है। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले वाटर थेरापी से। तो 70% ऑफ ह्यूमन बॉडी इज वाटर, इट रेगुलेट्स टेम्परेचर एंड इवनली डिस्ट्रीब्यूट्स। तो हम लोग अपने आप को अंदर से बाहर वॉश कर लें, स्प्रिंकल वाटर ऑल ओवर द स्किन। स्किन क्या है, हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन है, एब्जॉर्बिंग ऑर्गन है। तो आइए सबके ऊपर जल का छिड़काव करेंगे। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरशुचि। ओम पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु। उसके बाद है विंड थेरेपी, एयर थेरेपी। हम लोग सांस लेते हैं तो एक विंड जनरेट होता है। हमारे नाक में अनेक न्यूरॉन्स रहते हैं, माइक्रो न्यूरॉन्स, सूक्ष्म न्यूरॉन्स रहते हैं, जिसके जिसको वो स्पर्श करके बायो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जिसको प्राण शक्ति कहा जाता है, और हमारे शरीर में हर जगह फैल जाती है, और वो हमें काम और हील भी करता है। तो आइए प्राणायाम का अभ्यास, सभी लोग कमर सीधी करके बैठ जाए, और यहाँ से मंत्र बोला जा रहा है, धीरे धीरे सांस को अंदर ले, फिर थोड़ी देर रोके, फिर धीरे धीरे उसको बाहर छोड़े, और फिर अंत में थोड़ी देर रोके। ओम 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 स्वाहम महाओम जनाओम तपाओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसोमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वः। उसके बाद है अर्थ थेरेपी। अर्थ क्या है, लव एंड एक्सेप्टेंस। धरती माता हम सबको एक्सेप्ट किए हुए है, तो आइए लेट गो ऑल स्ट्रेस वरीज एंड टेंशंस एंड वर्क टुवर्ड्स द सॉल्यूशन, राइट। तो आइए पृथ्वी माता का ध्यान करें, हम सबको साथ ही रहना है और साथ ही सर्वाइव करना है, हाथ जोड़कर, और एक चम्मच जल पृथ्वी माता पर चढ़ा दे उसके साथ। ओम पृथ्वी त्वया द्रुता लोका देवी त्वं विष्णुना द्रुता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम्। उसके बाद है इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस थेरेपी, थॉट थेरेपी जिसको बोल सकते हैं। इंटेलिजेंस इज एवरीवेयर। तो आइए जहां हम लोगों ने एक चम्मच जल छोड़ा है उसी को हम अपनी अनामिका उंगली से स्पर्श करते हुए अपने मस्तिष्क पर लगाए, और मस्तिष्क में कहां लगाते हैं, सेंटर ऑफ द हेड, जहां पीनियल ग्लैंड कनेक्शन बोल सकते हैं आप। पीनियल ग्लैंड हमारा सबसे छोटा ऑर्गन है, आइए, और वहीं से हमारी प्रेरणाएं, सब प्रेरणाएं हमें मिलती है। ओम चंदनस्य महत्पुण्यम
पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरति नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। उसके बाद है रेगुलरिटी और डिसिप्लिन। ये दो चीजें अगर ना हो तो हमारे जीवन में कोई ज्यादा हमको लाभ में नहीं मिल सकता। एंड उसके लिए टाइम क्या है, एक दिन ही आपको दिया है। तो गुरुदेव कहते थे कि हर दिन को एक नया जन्म मान लो सुबह को, और शाम को एक नई एक मृत्यु मान लो। तो वॉट एवर यू डू इन अ डे दैट इज ऑल काइंड ऑफ स्टेज विथ यू एंड हेल्प्स यू। तो पहली जो चीज आपको करनी है वो है गायत्री। गायत्री क्या है, हील योरसेल्फ विद सन प्लस मंत्र मेडिटेशन। तो दूसरी आपको करनी है जिसको कहते हैं कि योग, फिक्स योरसेल्फ। गायत्री हील योरसेल्फ, योग मतलब फिक्स योरसेल्फ, लर्न फ्रॉम द मास्टर्स एंड ट्रांसफॉर्म। राइट, उनको उनके बारे उनकी पढ़ाई उनको बारे में पढ़िए, उनके पुस्तकों को पढ़िए, उनके विचारों को जानिए, उनको सुनिए और अपने आप को बदल दीजिए। और तीसरी जो चीज है वो है यज्ञ। यज्ञ का मतलब है हील एवरीथिंग एल्स, सोसाइटी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी। तो ये डिसिप्लिन अगर हम डेली डिसिप्लिन अगर अपने जीवन में लाते हैं तो हम सचमुच में अपने आप को ऊंचा उठा सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ और उन्नत बना सकते हैं। तो आइए इसी का संकल्प लेते हैं। ओम सत्प्रवृत्ति संवर्धनाय, ओम दुष्प्रवृत्ति उन्मूलनाय, लोक कल्याणाय, आत्मकल्याणाय, वातावरण परिष्काराय, उज्ज्वल भविष्य कामना पूर्तये च, प्रबल पुरुषार्थम करिष्ये, अस्मै प्रयोजनाय च, कलशादि आवाहित देवता, पूजन पर्वोत्तम, पूजन पूर्वकम् यज्ञ कर्म संपादनार्थम्, यज्ञ कर्म संपादनार्थम् संकल्पम्, संकल्पम् अहम् करिष्ये, अहम् करिष्ये। उसके बाद है कलश। कलश क्या है, ईच लाइफ इज अ लविंग कोऑपरेशन एंड सो इज द यूनिवर्स। विश्व भी सब चीजों को साथ में मिलाकर ही बना है और सब चीजों में तालमेल रहता है। तो मुख में कहा जाता है विष्णु, कंठ में कलश के रुद्र कहा जाता है, उसके मूल में ब्रह्मा कहा जाता है। तो एक ट्री को आप देख लीजिए, तो ट्री के लीव्स है वो विष्णु कह सकते हैं, उसके जो ट्रंक है उसका जो उसको आप रुद्र कह सकते हैं, और उसके रूट्स है उसको ब्रह्मा कह सकते हैं। साथ मिलकर कार्य करते हैं और उसमें फ्लो मदर्स जो है फ्लो ऑफ लाइफ जूसेस। तो ये मंत्र के सारे वर्ड्स है जिसको मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं। हाथ जोड़कर कलश का आवाहन। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता, मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृता, कुक्षौ तु सागरा सर्वे सप्तद्वीपा वसुंधरा, ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्वण, अंगैश्च सहिताः सर्वे कलशन्तु समाश्रिता, अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टि करी सदा, त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणाः प्रतिष्ठिता, शिव स्वयं त्वमेवासि विष्णुस्त्वं च प्रजापति, आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवा सपैतृका, त्वयि तिष्ठन्ति सर्वेऽपि यतः काम फलप्रदा, त्वत्प्रसादादिमं यज्ञं कर्तुमीहे जलोद्भव, सानिध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा। तो ह्यूमन में अगर देखा जाए तो विष्णु क्या है, फ्रंट फसाड बोल सकते हैं इसको, रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी डाइजेस्टिव मस्कुलर सिस्टम, ये हमारा फ्रंट फसाड है, इसी को विष्णु कह सकते हैं। ह्यूमन का जो बैकबोन है इसको शिवा कह सकते हैं, स्केलेटल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, एक्सोक्राइन सिस्टम, इम्यून सिस्टम, करेक्ट। तो विष्णु जी के बारे में कहा जाता है कि वो महलों में रहते हैं और शिव जी कहाँ रहते हैं, स्मशान में, जहाँ हड्डियां मिलती है आपको। और ब्रह्मा जी है, ये हमारे रूट है, मतलब हमारी नर्वस सिस्टम है, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। तो ब्रह्मा जी कहाँ रहते हैं, तो उनके बारे में कहा जाता है जंगलों में रहते हैं। तो
यहीं आपको सारे इंस्पिरेशंस प्रेरणाएं मिलती है। उसके बाद हमें हम सूर्यदेव का आह्वान करते हैं लैम्प। तो दूसरी चीज हम जो सेवंथ चीज हमने बताई थी वो है लैम्प है। वी ऑल नीड सन, सूर्य ही हमारा अल्टीमेट हीलर है, हमें ऊपर उठाने वाला है। तो दीपक के माध्यम से उनका आवाहन करते हैं। तो दीपक में अलग अलग चीजें हैं जिसको आप जान सकते हैं। एक छोटा यज्ञ भी है एक दीपक। तो आइए हाथ जोड़कर सूर्यदेव का आवाहन। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा, सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा, ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। उसके बाद गुरु का आह्वान करते हैं। गुरु क्या है? इज अ मास्टर हीलर, मास्टर थेरापिस्ट, राइट, लीडिंग अस बाय हिज ओन एग्जांपल। तो ऐसे गुरु पंडित श्री राम शर्मा आचार्य और माता भगवती देवी शर्मा जी हमारे सन्मुख हैं। उनका हाथ जोड़कर आह्वान करते हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अनेक लोगों को जीवन दान दिया था। कहा जाता है कि एक समय पर एक लेप्रसी के जो जो एक गांव था उन्होंने यज्ञ किया था और उन्होंने उनको बताया था कि मैं आपका तो लेप्रसी दूर नहीं कर सकता, लेकिन मैं यह आश्वासन जरूर देता हूं कि आपके जनरेशन में आगे कभी ये होगा नहीं। तो ये उनकी उनके वो बड़े ही स्पिरिचुअल थेरापिस्ट थे और उन्होंने आयुर्वेद का विस्तार किया, योग का, यज्ञ का विस्तार किया, मंत्र का विस्तार किया। इन्हीं से माध्यम से उन्होंने हम सबका हीलिंग किया है, समाज का हीलिंग किया है। तो आइए हाथ जोड़कर ऐसे गुरु का आवाहन करें। ओम अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यथा सूर्यस्य कांतेस्तु श्रीरामे विद्यते हिया सर्वशक्ति स्वरूपायै देव्यै भगवत्यै नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। तो उनकी गुरुवाणी को आप उनके बारे में ज्यादा जान सकते हैं हमारी वेबसाइट awp.us पे। तो 5-5 मिनट के उनके 25 लेक्चर है जो आप देख सकते हैं, उस पर होम पेज पर ही है। और साथ में उन्होंने जो योग सिखाया है, यज्ञ सिखाया है, गायत्री सिखाया है, उसकी भी जानकारी आप वहां से ले सकते हैं। जो उन्होंने तो 3000 से भी ज्यादा किताबें लिख डाली, लेकिन उन्होंने एक यज्ञ पे एनसाइक्लोपीडिया बनाया था। तो ये उसका चित्र है। इट इज अ वेरी हैवी वॉल्यूम बुक। उसमें सारे यज्ञ से कैसे उपचार हो सकता है इसके बारे में जानकारी दी है। और भी एक जो एक आप बुक है जो है अप्लाइड साइंस ऑफ यज्ञ फॉर हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। तो ये भी आप जो ऑनलाइन हमारी वेबसाइट awp.org वहाँ आपको बहुत सारी यज्ञ के बारे में, गायत्री के बारे में, आयुर्वेद के बारे में, हर्बल हीलिंग के बारे में आपको बुक्स मिल जाएगी, जैसे मसाला वाटिका से घरेलू उपचार। और सूर्य विज्ञान का भी उन्होंने बुक्स लिखा है कि वे कैसे सूर्य किरणों से आप रंगों से अपने आप को हील कर सकते हैं। तो ऐसी अनेक चीजें आपको मिल जाएगी आयुर्वेद के बारे में। तो उसके बाद है गायत्री। गायत्री क्या है? द पिक्चर ऑफ द हेल्दी मोस्ट प्योर लाइफ, राइट? इट्स अ विजन, अल्टीमेट विजन फॉर मैनकाइंड। तो उसमें जो पानी है जो काम, पीस, प्योरिटी, क्लैरिटी का प्रतीक है, स्वान है स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर थ्रू विजडम एंड डिसिप्लिन, लोटस हेल्थ ब्यूटी ओपननेस रिसेप्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन, वेद है सुपर इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस, कमंडल है अच्छे गुण, सूर्य है जो सोर्स है, मदर मतलब लव केयर एंड कंपैशन का प्रतीक है, और मंत्र जो चित्र में बताया जाता है इट्स अ लाइफ्स मास्टर प्लान, इट्स एन अल्टीमेट हीलिंग फॉर्मूला। आया तु वरदे देवी द्रक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंद सामातः ब्रह्मयो नमोस्तुते। और गायत्री मंत्र के साथ जो हेल्थ ग्रांट्स हमको मिलते हैं जिसको कहा जाता है आयु प्राण प्रजा पशु कीर्ति द्रविणम ब्रह्मवर्चसम। तो आइए उस अथर्ववेद का श्लोक है जो इसके बारे में हमें जानकारी देता है।
हाथ जोड़कर ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तं पावमानी द्विजानां आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। तो सूर्य और गायत्री मंत्र के माध्यम से हमारे अंदर जो जो बदलाव आते हैं, जो एक पहला बदलाव आता है कि हमारा इट ग्रांट्स अस द हेल्दी फ्लो ऑफ स्पीच थॉट्स एंड सेंस फीलिंग्स। तो आइए, उसी को माँ सरस्वती कहा गया है, तो हाथ जोड़कर उनका आह्वान करें। ओम शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमाम आद्याम जगत व्यापिनीम वीणा पुस्तक धारिणीम अपैदाम जाड्यांधकारापहाम हस्ते स्फटिक मालिकाम विदधतीम पद्मासने संस्थिताम वंदे ताम परमेश्वरीम भगवतीम बुद्धि प्रदाम शारदाम। जो माता लक्ष्मी है, इट्स एन हेल्दी फ्लो ऑफ एयर वाटर फूड एंड एक्शंस। आइए, ओम आद्राय करणीम यष्टिम सुवर्णाम हेम मालिनीम सूर्याम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जात वेदो माहव। जो काली का है, काली माता है, वो क्या है? हेल्दी एनर्जी फ्लो इन स्केलेटल इम्यून एंड एंडोक्राइन सिस्टम्स। तो आइए का आह्वान करें। कालिकाम तु कलातीतम कल्याण हृदयाम शिवम कल्याण जननी नित्यम कल्याणीम पूजयाम्यहम। चार भुजाओ तीन द्रुगो वाली देवी दाता चार भुजाओ तीन द्रुगो वाली देवी दाता वस्त्राभूषण धारण कर आवे गौरी माता वस्त्राभूषण धारण कर आवे गौरी माता देश धर्म मानव जीवन का माउदार करो देश धर्म मानव जीवन का माउदार करो यज्ञ भूमि में आओ आहुतियां स्वीकार करो जन कल्याण करो जन कल्याण करो। So there are three healthy most lives के example हमारे सामने हैं। एक है जो well balanced nourished mind अच्छे विचारों वाला mind जिसको ब्रह्मा जी कहा जाता है। तो आइए उनका आवाहन करते हैं। त्वं वै चतुर्मुखो ब्रह्मा सत्यलोक पितामह आगच्छ मण्डले चास्मिन् मम सर्वार्थ सिद्धये। ब्रह्मा जी का मंदिर जो राजस्थान में है पुष्कर, बड़ा ही सुरम्य स्थान है, डेजर्ट वाला राज्य है, लेकिन वो बहुत ही फल फूल और वृक्ष वनस्पति से भरपूर है। तो नेचर के ही ये देवता है, ब्रह्मा जी का निवास स्थान यही रहता है, जंगलों में रहता है। तो आइए हाथ जोड़कर उनका आह्वान करें। आदि पितर हम सबके स्वामी ब्रह्मा चतुर्मुखी आदि पितर हम विश्व के धारक हो यह सारा राष्ट्र सुखी अखिल विश्व धारक हो यह सारा राष्ट्र सुखी हो दिग्विजय देव संस्कृत बल संचार करो हो दिग्विजय देव संस्कृत बल संचार करो जंगलों के कारण ही हमारे यहाँ बारिश होती है, हवाएं चलती है, राइट? उन्हीं से ही हमारा पूरा क्रिएशन होता है, तो उनको क्रिएटर भी कहा जाता है। विष्णु जी कहाँ है? विष्णु जी के मंदिर आप देखे जाइए,
वहां आपको 56 भोग मिल जाएंगे, बड़े साज सजावट की वस्त्र श्रृंगार मिल जाएंगे, करेक्ट, उनका मनमोहक स्वरूप दिख जाएगा। तो ये वेल नरिश बॉडी का प्रतीक है। तो आइए हाथ जोड़कर भगवान विष्णु का आह्वान करें। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। वक्षस्थल पर चिन्हित भृगुपद कौस्तुभ मणिधारी, वक्षस्थल पर चिन्हित भृगुपद कौस्तुभ मणिधारी, नील कमल से श्याम वर्ण है जग मंगलकारी, नील कमल से श्याम वर्ण है। विष्णु रमापति के हमारे दोष सुधार करो, विष्णु रमापति देव हमारे दोष सुधार करो, क्या है? वेल नरिश एनर्जी सिस्टम के प्रतीक है, एनर्जाइज सोल का प्रतीक है। आइए उनका आह्वान करते हैं। वंदे देव उमापतिम सुर गुरम, वंदे जगत कारणम, वंदे पंडग भूषण मृगधरम, वंदे पशुनाम पति, वंदे सूर्य शशांक वहनी नयनम, वंदे मुकुंदम प्रियम, वंदे भक्त जनाश्रयम च वरदम, वंदे शिवम शंकरम। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। हे एकादश रुद्र लोकपति हे कपाल नारी, हे एकादश रुद्र लोकपति हे कपाल नारी, त्रिशूल खटवांग पधारो भोले भंडारी, त्रिशूल खटवांग पधारो भोले भंडारी। सफल करो यह यज्ञ दुष्टता का संहार करो, सफल करो यह यज्ञ दुष्टता का संहार करो, को परिवर्तन के देवता माना जाता है। तो परिवर्तन ऐसे ही होता है, हमारी एनर्जी से ही सारा चेंज होता है। तो ये सिंबल क्या है पता है किसी को? ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का सिंबल है, और उसमें आप देखेंगे तो उसमें जो एक स्नेक है उसको कि एक स्टाफ के ऊपर 3.5 राउंड्स लगाए हुए हैं। तो हमारे शास्त्र में यही वर्णन है, कुंडलिनी शक्ति जो है हमारे स्पाइनल कॉर्ड के आसपास 3.5 फेरे लगाए हुए रहती है, ये शिव का प्रतीक है। और उसके जो सराउंडेड बाय हेल्दी माइंड जो विश्व का प्रतीक है, वो ब्रह्मा जी का प्रतीक है। और जो इकोसिस्टम है जो उसके आसपास दिखता है, वो विष्णु जी का प्रतीक है। तो प्लेनेटरी बैलेंस के लिए हम 9 ग्रहों को आवाहित करते हैं, वो ही सूर्य की अलग अलग क्षमताओं को हमारे ऊपर बरसाते हैं। तो आइए हाथ जोड़कर ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। और जो गायत्री मंत्र है ये सबको एनकम्पास करता है, इट्स अ क्योर ऑल सुपर फॉर्मूला। तो जो ओम भूर्भुवस्वः है, जिसको जिसके जो गायत्री मंत्र के 4 चरण कह सकते हैं आप, ओम भूर्भुवस्वः है,
जो कि एक कॉस्मिक प्रोसेस को दर्शाता है, तत्सवितुर्वर्णम स्काई इफेक्ट को दर्शाता है उसका, भर्गो देवस्य धीमहि उसका अर्थ इफेक्ट जैसे कि बारिश, और धियो योनः प्रचोदयात् उसके लाइफ इफेक्ट्स को बताता है, कैसे सुंदर सुंदर पुष्प वृक्ष वनस्पति और फल फूल का निर्माण होता है और अनेक जीव जंतुओं का निर्माण होता है। तो इस तरह से आप उस गायत्री मंत्र को समझ सकते हैं। तो अब सर्वदेव नमस्कार, देवता कौन है? हमारे पुराण में जिनका वर्णन है, दे आर द चैंपियंस ऑफ लाइफ, करेक्ट, दे आर द हेल्दी मोस्ट लाइव्स दैट वी कॉल देम एज देवतास। तो आइए, और सबसे पहले जो देवता है जो गणेश जी है उनका आह्वान करते हैं। गणेश का अर्थ है वेल बैलेंस, विजडम जिसको कहा जाता है, सारे वस्तुओं का परफेक्ट ब्लेंड जिसको गणेश जी कहा जाता है, तो उनका आह्वान करते हैं। ओम अभीप्सितार्थ सिद्ध्यर्थम् दूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। अब हाथ जोड़कर सभी देवी देवताओं को नमस्कार करें। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। ओम शची पुरंदराभ्याम नमः। ओम माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम इस देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वासु देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो स्थिर देवेभ्यो नमः। ओम एतत् कर्म प्रदान श्री गायत्री देव्यै नमः। ओम पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु। अब हम प्रज्ञा गीत लेते हैं। तो हम यज्ञ के लिए हमारा प्लेज क्या है, व्हाट आर वी सेइंग, कि हम अपने शरीर को स्वस्थ बनाएंगे, अपने मन को स्वच्छ बनाएंगे और सभ्य समाज। आइए एक प्रज्ञा गीत। स्वस्थ शरीर स्वच्छ मन अपना, स्वस्थ शरीर स्वच्छ मन अपना, सभ्य समाज बनाएंगे, नया सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाएंगे। स्वच्छ शरीर स्वस्थ मन अपना, स्वस्थ शरीर स्वच्छ मन अपना, सभ्य समाज बनाएंगे, नया सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाएंगे। यह शरीर मंदिर है प्रभु का, यह अणु में प्रमाण है विभु का। यह शरीर मंदिर है प्रभु का, यह अणु में प्रमाण है विभु का। इसे असंयम सतान पाए, संयम स्वस्थ बलिष्ठ बनाए, इसे असंयम सतान पाए, संयम स्वस्थ बलिष्ठ बनाए, नव युग के अनुरूप श्रेष्ठ हम, नव युग के अनुरूप श्रेष्ठ हम, निज अभ्यास बनाएंगे, नया सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाएंगे, सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाएंगे। मन ही शत्रु मित्र भी मन है, इस पर आधारित जीवन है। मन ही शत्रु मित्र भी मन है, इस पर आधारित जीवन है। भव बंधन मन का विकार है, का संस्कार है, भव बंधन मन का विकार है, मुक्ति इसी का संस्कार है।
मन ही सच्चा आसन प्रभु का, मन ही सच्चा आसन प्रभु का, इसको स्वच्छ बनाएंगे, नया सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाएंगे, नया सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाएंगे, स्वस्थ शरीर स्वच्छ मन अपना सभ्य समाज बनाएंगे, नया सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाएंगे, इस धरती पर लाएंगे। तो बेस्ट शेप्स फॉर हीलिंग क्या है? पिरामिड शेप। पिरामिड्स के माध्यम से इजिप्शियंस ने ममियों को काफी सालों तक हील रखा था, तो हमारे ऋषि मुनि से ही उन्होंने प्रेरणा ली होगी, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि ने तो उसका भी एक एडवांस वर्जन निकाला था जिसको यज्ञ कहते हैं, जिसमें ये पिरामिड शेप का जो वेसल था उसी के अंदर यज्ञ किया जाता था। आज हम उसका इनवर्स शेप ले रहे हैं कि जो कि वातावरण को हील करने के लिए और ज्यादा उपयुक्त है। तो हम लोग यज्ञ में क्या क्या चीजें डालेंगे? ऑल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। तो पहले तो फायर है, राइट, यूनिवर्सल फोर्स ऑफ क्रिएशन, इट्स अ प्योर एनर्जी। उसके बाद है ड्राई कोकोनट, मैंगो वुड या ड्राई काउडंग जिसको यूज करते हैं, विच इज फॉर सुपर क्लीन बर्निंग। घी, जिसको कि सुपर फूड कहा जा सकता है, इट रेगुलेट्स टेम्परेचर एंड इट डज अ स्लो क्लीन बर्निंग, कंप्लीट बर्निंग करने के लिए घी सहायक रहता है। कपूर है वो जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को हील करता है। हर्बल पाउडर है वो सूदिंग ब्लेंड ऑफ हर्ब्स है। शुगर जम किलर कहा जाता है। अजवाइन, क्लोव और कार्डमम जो आप यूज कर सकते हैं, जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। मंत्र जो है वो इंटेलिजेंस प्लस साउंड थेरेपी है, और हमारी हैप्पी हेल्दी हीलिंग थॉट्स और इमोशंस है ये भी इसके, इसको हम यहाँ यूज करेंगे। हम सब अच्छे स्वस्थ मन से यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और इट्स एन एरोमा थेरेपी, इट क्रिएट्स एन एंटी बैक्टीरियल जर्म फ्री हीलिंग एनवायरनमेंट, और इट्स अ परफेक्ट फ्यूजन फॉर बिल्डिंग इम्यूनिटी एंड हेल्थ। ठीक है, तो आप चाहे तो दवाइयां मुंह से ले सकते हैं, तो ये इसको टाइम लगता है आपको फायदा पहुंचाने के लिए, और इसको डाइजेस्ट भी करना पड़ता है। डाइजेस्ट नहीं हुआ तो आपका कोई फायदा नहीं हो सकता। फिर कुछ दवाइयां हमें इंजेक्शन के माध्यम से डायरेक्ट ब्लड में जाती है, उसको भी सर्कुलेट करने में थोड़ा टाइम जाता है, लेकिन जो फास्टेस्ट जो दवाई दी जाती है वो एनेस्थेसिया दी जाती है, जो इमीडिएट हमारे अंदर पहुंच जाती है। और यज्ञ वही चीज को का एडवांस फॉर्म है कि शुद्ध वातावरण में अग्निदेव के सामने सूर्य के सानिध्य में हम यज्ञ करते हैं, तो it's an ultimate way to deliver any benefits of the herbs or medicines. तो आइए सबसे पहले हम अग्निदेव का आह्वान करते हैं। तो fire is a healing force, और आकाश में जो विद्युत है ये भी वातावरण को heal करती है। ये सब fire energy के, सूर्य energy के ही प्रतीक है। आइए तो अग्नि स्थापन। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि। उसके बाद हम एक्सपीरियंस द 12 डायमेंशनल सन हीलिंग। सूर्य का प्रकाश जो है हर घंटे हमारे पर अलग अलग तरह से आता है, तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। तो आइए, गायत्री स्तवन इसी को दर्शाता है। ओम यन्मंडलम दीप्तिकरम विशालम रत्नप्रभम तीव्रमनादिरूपम दारिद्र दुख क्षय कारणं च पुनः सवितुर्वरेण्यं शुभ ज्योति के पुण्य
अनादिअनुपम ब्रह्मांड व्यापी आलोक करता दारिद्र दुख भय से मुक्त कर दो पावन बना दो हे देव सविता यन्मंगलम व्याधि विनाश दक्षम यत्र यजुषाम सुसंप्रगीतम प्रकाशितं येन चतुर्भुवः स्वः पुनातु मां दस्य विदुर्वरेण्यम् हे व्याधिनाशक हे पुष्टिदाता रुक्साम यजुर्वेद संचार करता हे भूर्भुवः स्वः मे स्वप्रकाशित पावन बना दो हे देव सविता यन्मंगलम वेद विदोपगीतम यद्योगिनां योगपथम् तत्सर्व वेदं प्रणमामि दिव्यं पुनातु मां तस्य विदुर्वरेण्यम् संचार करता प्रणिपात स्वीकार लो हम सभी का पावन बना दो हे देव सविता पावन बना दो हे देव सविता पुनातु मां तस्य विदुर्वरेण्यम् सो लाइफ इज टाइम सो वी हैव टू ट्रेड इट वेल तो हम हमारे सामने समय की लिमिट है और हमारे एनर्जी की भी लिमिट है. हर समय अलग अलग स्टेज में से हम जाते हैं तो वी शुड ऑलवेज एज वाइजली. कैसे एज वाइजली करें? ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास इस तरह से हम जिए. तो आइए पहली जो स्टिक की आहुति, एक स्टिक को लेंगे, उसके दोनों एंड को घी में डुबो कर फिर उसको स्वाहा के साथ आहुति देते हैं. महात्मा जातवेदस्ते नेद्वस्व वर्धस्व चेतवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेन अन्नादेन समेदय स्वाहा इदम् अग्ने जातवेदसे इदम् नमः. दूसरा है फोकस ऑन ऑल गोल्स, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चारों चीज आपकी आपके जीवन के उद्देश्य है. ओम समिदाग्निं दुवस्यत हृदय बोधय तादृष्टिम आस्मिन् अव्याजुहोतन स्वाहा इदम् अग्ने इदम् नमः. दूसरा तीसरा जो तीसरी जो होती है वो तो डेली डिसिप्लिन, साधना स्वाध्याय संयम और सेवा, यह चार चीज हमें जीवन में रोज करनी चाहिए. तो इसके लिए तीसरी आहुति है ओम सुसमिदाय सोचे द्वितम तिव्रम जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदम् अग्नये जातवेदसे इदम् नमः. और चार बल फोर स्ट्रेंथ हमें के लिए प्रयास करना चाहिए, फिजिकल मेंटल स्पिरिचुअल और सुपर स्पिरिचुअल, ब्रह्म बल जिसको कहा जाता है. तो आइए ओम तम त्वा समित विरंगिरो द्रुतेन वर्धयामसि प्रवच्छो चाय विष्टय स्वाहा इदम् अग्ने अंगिरसे इदम् नमः. और जीवन में हमें इंटरेस्ट प्रेम भी मिलता है और एनर्जी भी मिलती है तो इसको डिस्पेंस इट वाइजली, राइट. तो क्या सात जगह पे हमारे प्रेम और हमारी एनर्जी को लगाना चाहिए? तो ये सात चीजें ये है. तो सबसे पहला क्रिएटर के लिए, प्रजापति के लिए, मतलब अपना जो क्रिएशन है उसी को अच्छा बनाओ. फिर अपना इंद्र आत्मा, अपने आप को अच्छा बनाओ. प्रोडक्टिविटी का अर्थ है कि समाज में प्रोडक्शन होना चाहिए, उत्पादन होना चाहिए, पीस भी बढ़ना चाहिए, फिजिकल वेलनेस बढ़ना चाहिए, मेंटल वेलनेस बढ़ना चाहिए और इमोशनल वेलनेस. तो इसी के लिए हमें हमारा प्रेम और हमारी शक्ति को लगाना चाहिए. इसलिए सात आहुति ओम प्रजापतये स्वाहा इदम् प्रजापतये इदम् नमः. ओम इंद्राय स्वाहा इदम् इंद्राय इदम् नमः. ओम अग्नये स्वाहा इदम् अग्नये इदम् नमः. ओम सोमाय स्वाहा इदम् सोमाय इदम् नमः. ओम भूः स्वाहा इदम् अग्ने इदम् नमः. ओम भुवः स्वाहा इदम् वायवे इदम् नमः. ओम स्वः स्वाहा इदम् सूर्याय इदम् नमः. उसके बाद गायत्री मंत्र की आहुति देते हैं फॉर कंप्लीट हीलिंग. तो ओम में हम हमारे सोर्स को याद करते हैं, भूर्भुवः स्वः,
जो हमें जीवन देता है, हमें हील करता है, हमें ब्लेस देता है, सब जगह मौजूद है। सवितुर वरिण्यम, सूर्य चंद्र तारे और माँ धरती अनुपम के रूप में विद्यमान है, हमारे पापों को दूर करके हमें देवत्व देता है और हमारे अंदर निवास करे वह और हमारे माइंड को, हमारे इंटेलेक्ट को अच्छी दिशा में ले जाए। इसके लिए 24 अवधि का गायत्री मंत्र की ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री दं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री दं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री दं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री दं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री दं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री दं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री दं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री दं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री दं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री दं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री दं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री दं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री दं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री दं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री दं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री दं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री दं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री दं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री दं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री दं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री दं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य
त्रिदम नमः ॐ भर्गवा स्वाहा दक्षवितवारिण्यं भगवदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः ॐ भर्गवा स्वाहा दक्षवितवारिण्यं भगवदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः ॐ भर्गवा स्वाहा दक्षवितवारिण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः महामृत्युंजय मंत्र टू राइज इन लाइफ्स वर्च्यूज एंड डेथ टू इट्स वाइसेस करेक्ट मृत्यु से ऊपर उठना ओम त्र्यंबकम ये जो मंत्र के मीनिंग है यजामहे रेज मी अप हमारे अंतरात्मा को यह कहता है कि मृत्यु से वो मोक्ष की ओर जाए तो आइए महामृत्युंजय मंत्र की पांच आहुतियां देते हैं ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदनाम् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमः ॐ त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदनाम् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमः ॐ त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदनाम् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमः ॐ त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदनाम् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमः ॐ त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदनाम् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमः पांच महामृत्युंजय मंत्र आहुति आज अगर किसी का बर्थडे हो एनिवर्सरी हो उसके लिए एक दूसरी किसी का कोई शुभ प्रसंग हो जैसे किसी ने घर लिया हो या मकान लिया हो तीसरी आहुति है अगर कोई बीमार हो उसके लिए चौथी आहुति है अगर किसी का देहांत हो गया हो उसके स्वास्थ्य उसके आत्मा की शांति के लिए और पांचवी आहुति और किसी कारण से कोई दुखी हो तो उसके लिए देते हैं तो पांच महामृत्युंजय मंत्र की आहुतियां त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमः ॐ त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमः ॐ त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमः ॐ त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमः ॐ त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमः अब जो विश्वव्यापी कोरोना का जो चल रहा है तो उसके लिए हमारे अथर्ववेद में तीन मंत्र है जिनकी हम आहुति देते हैं तो पहला मंत्र है उस वायरस को ही विषाणुओं को ही खत्म करने के लिए आदित्य गणों को देते हैं तो आइए यहाँ से मंत्र बोला जा रहा है आप हवन सामग्री उसको देंगे अगर आपके पास कोई अजवाइन या क्लोव या कार्डमम है तो इसको भी आप इसके साथ दे सकते हैं ॐ उद्यन्नादित्यः कृमिनहन्तु निम्रोचन हन्तु रश्मिभिः ये अन्तः कृमियोगवि स्वाहा इदम् आदित्यगणेभ्यः इदं नमः दूसरी आहुति सूर्यदेव को देते हैं कि जो कि रोग अगर किसी को हुआ हो तो उसका निवारण के लिए
ओम शीर्षक्तम शीर्षामयम कर्णशूलम विलोहितम सर्वशीर्षण्यम ते रोगम बहिर्निमंत्रयामहे स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। तीसरी आहुति रक्षा के लिए है कि हमें उसका वो इन्फेक्ट ना कर पाए, तो इसमें दो स्वाहा आता है इस मंत्र में, तो दूसरे स्वाहा में आहुति डालेंगे। ओ अग्ने वैश्वानर विश्वेर्मा देवै पाहि स्वाहा स्वाहा इदं वैश्वानराय इदं नमः। उसके बाद है, बाद में है स्वीट की आहुति देते हैं, विच इज टू लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स एंड आल्सो अदर्स मिस्टेक्स, बट वी हैव टू लर्न एंड वी हैव टू मूव ऑन। तो प्लेज नॉट टू रिपीट देम। सो हम इसमें कोई स्वीट चीज की आहुति देते हैं जिससे कि घर में ब्लिसफुल वातावरण हो, इट रिमूव्स द स्ट्रेस वरीज एंड फियर्स। तो आइए खीर की आहुति या स्वीट की आहुति दे सकते हैं। ओम यदस्य कर्मणो त्वरीरिचम यत्वानुनम इहाकरम अग्निस्तास्विस्य कृत विद्यात् सर्वं स्विष्टं सूतं करोतु मे आग्नये स्विस्य कृते सूतौते सर्वप्रायश्चिताहुतीनां कामानां समर्दयित्रे सर्वान् कामानां समर्दय स्वाहा इदं अग्नये स्विस्य कृते इदं नमः। उसके बाद है, बाद में है परफेक्शन थ्रू कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, राइट? एवरी डे वी इंप्रूव, day is all you got, right? Every day if you don't do certain things then you are going to miss it, right? So kya karenge iske liye hum upasana jisko gayatri ka jap kehte hai, healing with mantra in the sun, okay? Aur dusra hai sadhana jisko yoga kaha jata hai, fixing yourself, building strength, following the masters. To jo bhi mahapurush ho gaye unki unko unke unse seekh ke hum apne aap ko fix kare और आराधना हील एवरीथिंग एल्स अराउंड, राइट? थ्रू कर्मा थेरेपी, अपने कर्मों के माध्यम से हम पूरे संसार को ठीक करें। हमारे सामने उदाहरण के रूप में हम स्वामी विवेकानंद जी को लेते हैं, तो हम यह प्रयास करेंगे कि हम सब इस गायत्री योग और यज्ञ के माध्यम से उस पूर्णता को प्राप्त करें। तो इसके लिए फाइनल आहुति जिसको दी जाती है हवन सामग्री की, और अगर आपके पास कोई सुपारी हो या कोकोनट हो इसकी भी आप आहुति दे सकते हैं। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वस्नेव विक्रीणा वहायिषमुर्जगुं शतक्रतो स्वाहा। ॐ सर्ववै पूर्णगुं स्वाहा। आरती, आरती इज फॉर एवरलास्टिंग कनेक्शन टू द लाइफ सोर्स। हमारे जो आसपास जो प्रकृति परमात्मा है, सूर्य है, इन्हीं से हम सब कुछ मिलता है, तो उनसे हमारा कनेक्शन बना रहे हर हमेश। हम किसी मंदिर में मूर्ति की आरती करते हैं, लेकिन उसके पीछे जो परमात्मा की शक्ति है विश्वव्यापी, उसी का ही हम ध्यान करते हैं। तो आइए आरती। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो विश्वोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो वेदविनाशनाय। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्दुरुद्रमरुतः शृण्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदैश्चाङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं श्यामगा ज्ञानावसिद्धद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। जयति जय गायत्री माता, जयति जय गायत्री माता, सत्यमार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता। जयति जय गायत्री माता, आदिशक्ति तुम अलख निरंजन, जग पालन कर दी मां, जग पालन कर दी दुख शोक भय क्लेश कलह दारी।
मई में हरदी जयति जय गायत्री माता काम क्रोध मद लोभ दंभ दुर्भाव द्वेष हरिये दुर्भाव द्वेष हरिये शुद्ध बुद्धि निष पाप हृदय मन को पवित्र करिए जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता सतमार्ग पर हमें चलाओ जो है सुख दाता जयति जय गायत्री माता। आरती सबको दे देते हैं तीन बार जल कुमा को और फिर यज्ञ महिमा का गान करते हैं। यज्ञ रूप प्रभो हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए छोड़ देवे जल कपट को मानसिक बल दीजिए बोले रुचाए सत्य को धारण करे हर्ष में सारे शोक सागर से तरे अश्वमेधादिक रचाए यज्ञ पर उपकार को धर्म मर्यादा जला कर लाभ दे संसार को श्रद्धा भक्ति से अज्ञानी हम करते रहे योग पीड़ित विश्व के संताप सब कामना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की भावनाएं शुद्ध होवे यज्ञ से नर नारी की लाभकारी हो हवन हर जीवधारी के वायु जल सर्वत्र वो शुभ गंध को धारण किए स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पद विस्तार हो किदम अमम का सार तक प्रत्येक में व्यवहार हो हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना हम कर रहे नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे यज्ञ रूप प्रभो हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए प्रभु मानसिक बल दीजिए। अब धृता वगाणम एक ड्रॉप हाथ में पानी और घी एक ड्रॉप लेकर उनको दोनों हाथ में मलकर घृत को धारण करते हैं। घृत को जो यज्ञ से अपने आप अपने माइंड बॉडी और हार्ट को हील करते हैं। यज्ञ एनर्जी क्लीन्स माइंड बॉडी एंड हार्ट ब्लेसेस विद ब्यूटी इंटेलिजेंस लॉन्जिविटी एंड स्ट्रेंथ। तो आइए ओम तनुपाग्नेसि तन्वमे पाहि ओम आयुर्दाग्नेसि आयुर्मे देहि ओम वर्चोदाग्नेसि वर्चो मे देहि ओम अग्ने अन्मे तन्वा उनन् तन्वा प्रीणा ओम मेधा मे देव सविता ददातु ओम मेधा मे देवी सरस्वती ददातु ओम मेधा मे अश्विनो देवाम पुष्करस्त्रजो। अब दोनों हाथों को मलकर ओम भूर्भुवः स्वः सावितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वी विल स्मेल इट एंड देन पुट इट ऑन अवर आईज फोरहेड चीक्स एंड हैंड्स। दूसरी जो हीलिंग जो है हमें ऐश से होती है। तो ऐश क्या है? इज अ विजडम ऑफ लाइफ वर्सेस डेथ राइट वर्सेस रॉन्ग स्ट्रेंथ वर्सेस वीकनेस रियलिटी वर्सेस इल्यूजन। तो आइए हम हमेशा इस चीज को याद रखें अस्त्र के सत्य की ओर अंधकार से प्रकाश की ओर अमृत से अमृत की ओर आगे बढ़े। तो इस ऐश को हम मस्तिष्क पे लगाते हैं गले में लगाते हैं मंत्र के साथ तो और राइट हैंड शोल्डर राइट शोल्डर पर लगाते हैं हृदय पर। ओम त्रायुषम जमदग्नेहि ललाटे
ओम कश्यपस्यताय समिति ग्रीवायाम गले में, ओम यद्यविशुताय समिति दक्षिण बाहुमूले ऑन योर राइट शोल्डर, ओम तन्नोवस्तुताय समिति हृदय ऑन अवर हार्ट। और जो तीसरी जो हीलिंग है जो पीस और ब्लिस, तो आइए जो जो पानी है इसने यज्ञ की ऊर्जा को धारण कर लिया है तो सबके ऊपर छिड़क देते हैं। हम सब अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर, शांति की ओर, ब्लिस की ओर बढ़े। ओम द्यौः शांति अंतरिक्ष गम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामान शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। अंत में हमने देवी देवताओं का आह्वान किया था। देवी देवता क्या है? चैंपियंस ऑफ लाइफ। उनके आप पुराणों में पढ़िए, उनकी कहानियां से आपको पता चलेगा कि वो कैसे उन्होंने शानदार जिंदगी जी थी। और यज्ञ भगवान उनको भी हमने बुलाया है तो हाथ जोड़कर ओम भगवान अग्ने स्वस्थानी कुंड मध्यतः उत्तमादाय देवेभ्यः शीघ्रं देहि प्रसीद मे। गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर यत्र ब्रह्मादयो देवा तत्र गच्छ हुताशन। यान्तु देवगणा सर्वे पूजामादाय मां किम् इष्टकाम समृद्ध्यर्थं पुनरागमनाय च। अंत में हमारे वेबसाइट की ओर आपको आकर्षित करेंगे AWW.US, जिसमें जो जो मैंने गुरुदेव की अमृतवाणी के बारे में बताया था इसकी लिंक आपको मिल जाएगी। डेली योग यज्ञ और गायत्री आप कैसे कर सकते हैं इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। इसके साथ ही हमारा यज्ञ समाप्त होता है।